रोटियां बना रहे हैं दोस्तों, तो रुक जाइए, पहले मेरी ये टिप तो सुन लीजिए, और ये टिप बहुत काम की है। तो चलिए आपको अपनी टिप बता देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके भी घर में एक साथ ढेर सारे लोग खाना खाने बैठ जाते हों और आप रोटियां बनाती हों और सब चाहते हों कि उनको गर्म रोटी मिले, तो उसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया सा उपाय बताती हूँ कि आप जो कैसरोल ले रही हूँ उसमें आप टिशू या कपड़ा जो बिछाती हूँ वो बिछा लें और इसमें रख लें एक प्लेट, और साथ ही जो रोटियाँ आप बना रहे हैं उन रोटियों को इस तरीके से खड़ा करके रखें। ध्यान रखें कि इन रोटियों को लेटा कर नहीं रखना है, ऐसे खड़ा करके रखें, और जब भी आपको रोटी परोसनी हो तो आप रोटियों पे फटाफट से घी लगाएं और घर में सर्व कर दें। इससे क्या होगा कि रोटियां एकदम काफ़ी टाइम तक करारी रहती हैं, साथ ही गर्म भी रहती हैं। जी हाँ, इस तरीके से रोटियां जब हम रखते हैं तो रोटियां एकदम गर्म रहती हैं और एकदम करारी रहती हैं, साथ ही इनमें जो फुलावट है वो ख़त्म नहीं होती है, फुलावट काफ़ी टाइम तक होती है। तो आई होप आपको रोटी रखने की ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं और उसे बनाते हैं सरसों के तेल में, क्योंकि आपको ही पता है कि सरसों का तेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम सब आमतौर पर घरों में सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। पर कभी कभी होता यह है कि मस्टर्ड ऑयल का जो खारापन है वो सब्जी में जो है थोड़ा सा तीखा स्वाद लाता है, हर किसी को इसका स्वाद पसंद नहीं आता। तो इस खारेपन को कम करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी टिप्स देती हूँ कि जब भी आप कढ़ाई में सरसों का तेल डालें तो तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तब उसके बाद यहाँ पर डालें थोड़ा सा नमक, यानी कि पिंच सॉल्ट, और तेल को गर्म कर लें और उसके बाद से अपनी सब्जी में तड़का लगा लें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सरसों के तेल का खारापन है वो ख़त्म हो गया, साथ ही जो सब्जी का टेस्ट है वो भी इन्हेंस होता है। और जब सब्जी में आप नमक डालें तो जितना आपने डाला है उतना आप कम कर लें। तो आई होप मेरी ये टिप आपको जरूर पसंद आएगी। जब भी कभी हम सब्जी के लिए प्याज को फ्राई करते हैं और समय की कमी होती है, हमें लगता है कि प्याज जो है जल्दी से फ्राई हो जाए, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा आसान सा उपाय बताती हूँ, और ये उपाय बेकिंग सोडा को लेकर है। जी हाँ, बेकिंग सोडा हम सभी के घर में होता है, तो जब भी आप प्याज को फ्राई करें और आपको जल्दी से फ्राई करना हो, फटाफट से आपको इंस्टेंट काम करना हो, तब आप ले लें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बहुत थोड़ा सा, 1 पिंच के लगभग, और प्याज के साथ इस तरीके से आप इसे मिला दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि प्याज जो है वो आपकी कितनी जल्दी जल्दी फ्राई होगी, फटाफट से रेड हो जाएगी। तो ये वाला तरीका आप भी अपना कर देखिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। दोस्तों, बैंगन काटने के बाद सबकी ये समस्या होती है कि बैंगन जो है काले पड़ जाते हैं, अगर उन्हें कैसे बनाया जाए कि वो काटने के बाद भी जो है काले ना पड़े, उसके लिए आपको एक बढ़िया सा उपाय बताती हूँ कि बैंगन को अगर आपको काटना है तो काट लीजिए, पर काटने के तुरंत बाद इसे डालिए पानी में। जैसे कि मुझे यहाँ बनाने हैं भरवा बैंगन, तो मैंने बैंगन को अंदर से खोखला कर लिया है और इसके बाद से इसे पानी में डाल दिया है। तो पानी में डालने के बाद आपको करना यह है कि पानी के साथ बहुत थोड़ा सा नमक, लगभग 1/4 टीस्पून डालकर नमक वाले पानी में बैंगन को छोड़ देना है। इससे बैंगन जो है काफ़ी अच्छे से सॉल्टी हो जाते हैं, सब्जी बनाने लायक होते जाते हैं, और साथ ही सबसे बड़ी बात, बैंगन बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। तो बैंगन को बनाने से पहले चाहे 1 घंटा या 2 घंटा, जब तक आप नहीं बना रहे हो तब तक बैंगन को जो है इस तरीके से पानी में डालकर रखिए, उसके बाद से जो है आप इसकी सब्जी बनाइए तो बैंगन बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। तो ये मेरी टिप बहुत काम की है, ज़रूर अपना कर देखिएगा। फ्रेंड्स, घर पर पनीर बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, हर कोई जानता है कि दूध में क्या डालें जिससे कि वो पनीर का रूप ले ले, या फिर दूध को फाड़ना बहुत ही आसान होता है। लोग रसगुल्ले वगैरह बनाते रहते हैं अक्सर घर पर, दूध को फाड़ कर या फिर दूध जो फट जाता है। मैं यहाँ आपको दूध से पनीर बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका और बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊँगी जिससे कि आपकी पनीर की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, साथ ही आप जो पनीर निकालेंगे वो पनीर एकदम सॉफ्ट बनेगा, साथ ही आप फ्रिज में चाहे उसे 8 से 10 दिन भी रखे रहें तो पनीर जो है खट्टा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। इसके लिए आपको करना ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर दूध को उबलने रखा है और अभी दूध हमारा जो है उबाल पर आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध लेकर रखा हुआ है, साथ ही लिया हुआ है ताज़ा दही, यानी कि फ्रेश कर्ड। ध्यान रखें कि दही जो है फ्रेश हो, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, और इसमें इस तरह से लेकर 1-1 चम्मच दही हम डालकर चलाते रहेंगे। और अब इस टाइम पर गैस को बंद कर दें और इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि दूध का जो है कर्डल ना होने लगे, दूध फटने ना लगे। अगर आपको लगे कि दही कम है तो आप थोड़ी थोड़ी दही और बढ़ाते रहें, और इस वाली ट्रिक से जो पनीर निकलेगा वो पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, सॉफ्ट बनता है, साथ ही एकदम माउथ मेल्टिंग होता है। जैसे बाजार का पनीर होता है खिंचा खिंचा, वैसा बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने जो है लगभग 1.5 चम्मच दही डाला है, पर दूध अभी पूरी तरह से फटा नहीं है। चलिए थोड़ा सा और डाल लेते हैं,
तो इस तरीके से करके जितने भी दही की ज़रूरत हो आप वो लेकर दूध को इस तरह से चलाते रहें। ध्यान रखें कि हमें दूध को लगातार चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दही जो है डालती जा रही हूँ। जब हम विनेगर या नींबू का रस डालते हैं पनीर फाड़ने के लिए तो वो पनीर एक खटास सा स्वाद देता है, उसमें 2 से 3 दिन बाद ही जो है बासीपन सा आने लगता है। पर जब हम दही से फाड़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो पनीर फटेगा वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, साथ ही खाने में भी उसमें मिठास होगी और सबसे बड़ी बात वो खट्टा नहीं होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इतनी दही डाल ली है, तो चलिए इसे मैं लगातार चला रही हूँ और इतनी दही से हमारा दूध जो है अब आसानी से फट जाएगा। पर इसे फटने में हो सकता है कि 1 से 1.5 मिनट का टाइम भी लग जाए। तो यहाँ पर चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा दूध पूरी तरह से कड़ल हो चुका है, बहुत ही अच्छे से इसमें से छेना अलग हो चुका है, पानी अलग हो चुका है। तो अब इसे मैं आपको छान कर भी दिखाऊंगी कि पनीर कैसा बनकर तैयार होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पनीर निकल चुका है, जो पनीर मैंने आपको दिखाया था कि मैंने दही से निकाला है, और ये एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप देख रहे हैं कि कितना सॉफ्ट है, हाथों से उठाते ही इसमें क्रैक आ रहे हैं, और एकदम फ्रेश पनीर है, अभी मैंने जस्ट निकाला है। और साथ ही इसका जो पानी बचे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर पूरा पानी इकट्ठा करके रखा है, इसका हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसकी हम सब्जी की ग्रेवी बना सकते हैं, दाल बनाते समय ये पानी का यूज़ कर सकते हैं, चावल बनाते समय पानी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप आटा गूंद रहे हैं तो फिर आप इसी पानी से आटा गूंदें तो रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। इसके अलावा एक और बेहतरीन यूज़ है, अगर आप किचन में इसका यूज़ ना करना चाहें तो मैं बता दूं कि इस पानी को ठंडा करके आप पौधों में डाल सकते हैं, और पौधे जो है बहुत अच्छे ग्रो करते हैं इस पनीर के पानी से, क्योंकि इस पानी में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है जो कि खाद का भी काम करता है। तो ये पानी मल्टीपर्पज़ होता है, इसे आप बिल्कुल मत फेंकिए, और इस पानी का यूज़ कैसे भी किसी भी तरीके से करिए, हर तरीके से आपको फ़ायदा ही देगा। तो दोस्तों, पनीर बनाने का ये तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जब भी आप आलू की कोई भी चीज़ बनाएं, जैसे आप कोई भी डिश बना रही हो, आलू की स्टफिंग तैयार कर रही हो, या फिर आप आलू की सब्जी ही बना रही हो, तो उसमें 2 इन्ग्रीडियंट्स ऐसे होते हैं जो अगर आप ऐड करें तो हर बार आपकी सब्जी का या स्टफिंग का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन 2 इन्ग्रीडियंट्स में पहला इन्ग्रीडियंट्स है हींग। जी हाँ, आलू में हींग ज़रूर ऐड करें, हींग से जो है आलू की किसी भी रेसिपी का स्वाद बढ़ जाता है। और दूसरा जो मुख्य चीज़ है वो है कसूरी मेथी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, और आलू की सब्जी बनाएं, स्टफिंग बनाएं, जो भी चीज़ आप बनाते हो उसमें हींग और कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें, बाकी मसालों के साथ साथ। तो आप देखेंगे कि जो भी डिश आप बना रही हैं वो बहुत ही बेहतरीन बनेगी, लाजवाब बनेगी, और सब वाह वाह करते नहीं थकेंगे। तो खाने की ये टिप बहुत काम की है, ज़रूर अपना कर देखिएगा। एक करी बनाने को लेकर एक बहुत अच्छी सी टिप देती हूँ। तो एक करी जब भी बनाएं, एक को बॉयल करें, और उसके बाद से जब आप एक को फ्राई करते हैं, या अगर आप विदाउट फ्राई भी एक बना रहे हैं, तो बॉयल करने के बाद एग्स पर इस तरीके से किसी टूथपिक से या फिर फोक से जगह जगह होल कर दें। इससे क्या होगा कि हम लोग जब एग को ग्रेवी में डालेंगे तो एग जो है ग्रेवी को बहुत अच्छे से सोख लेते हैं, और अंदर तक जो है इसमें तेल मसाला काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब जाता है, तो ग्रेवी जो है बहुत टेस्टी बनती है। एक करी जो हम लोग बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से ये वाली टिप आप भी अपना कर देखिएगा।